हेलो स्टूडेंट्स आई होप यू ऑल आर वेरी वेल और आज जो है हमारा लेक्चर कंप्लीट होने वाला है हमारा फर्स्ट चैप्टर जो द लिविंग वर्ल्ड हमने स्टार्ट किया था आज कंप्लीट होने वाला है और हमारा सेकेंड सीरीज़ रिप्रोडक्शन का भी चल रहा है वो भी हम बहुत जल्द कवर करने वाले हैं सारे चैप्टर्स को तो द लिविंग वर्ल्ड में हमने चार जो लेक्चर हमारा था चार पार्ट वो हो चुका है जिसमें से दो जो था उसमें हमने बेसिक बायोलॉजी को देखा था और दो जो लेक्चर हमारा था वो उसमें हमने इम्पॉर्टेंट जो एन सी आर टी के सिलेबस में दिया था उसे हमने अच्छे से कंप्लीट किया और आज जो हम करने वाले हैं वो है टैक्सोनॉमी क्योंकि इससे पिछले वाला जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने टैक्सोनॉमी तक कंप्लीट किया था अच्छे से तो चलिए स्टार्ट करते हैं टैक्सोनॉमी से मैंने बताया था टैक्सोनॉमी जब हम क्लासिफिकेशन को किसी रूल के बेसिस पे करते हैं तो वो टेक्सोनॉमी कहलाता है अब वो रूल कौन सा होगा तो हम चलिए स्टार्ट करने वाले कौन सा रूल है वो देखते हैं पहले क्लासिफिकेशन का रूल तो पहला जो है वो इसमें दिया हुआ है एनसीईआरटी में एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर किसी भी ऑर्गेनिज्म को आप अगर क्लासिफाई करते हो तो उसके लिए अगर तो उसके लिए सबसे पहले उसका मॉर्फोलॉजिकल और नाटोमिकल स्ट्रक्चर के बारे में आपको पता होना चाहिए मतलब बाहर से कैसा दिखता है उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कैसा है इंटरनल पार्ट उसका इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो कैसा है इसके बाद अलॉन्ग विथ स्ट्रक्चर ऑफ सेल उसका सेल का स्ट्रक्चर क्या है इसके बाद उसका डेवलपमेंट प्रोसेस कैसा है फिर उसका इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन मतलब किस तरह के इन्वामेंट में वो रह रहा है और कैसा हैबिटेट है उसका ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए इसके बाद आता है टैक्सोनॉमी का कुछ बेसिक स्टेप्स नॉमी का स्टेप्स में पहले आता है कैरेक्टराइजेशन इसका मतलब अगर हम किसी एनिमल्स को देख रहे हैं तो सबसे पहले देखेंगे उसका एक्सटर्नल ईयर कैसा है उसका एक्सटर्नल ईयर है उसके पास लेग्स है तो ये सबसे हमें पता चलेगा कि वो तो एनिमल्स हैं फिर उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये एनिमल्स है या प्लांट्स है इसके बाद उसे हम क्लासिफिकेशन करेंगे ये कौन से किंगडम में आने वाला है कौन से फाइलम में आने वाला है इसके बाद उसको हम नाम रखेंगे उसका नॉमन क्लिचर करेंगे ये बेसिक स्टेप्स है टैक्सोनॉमी का इसके बाद टैक्सोनॉमी इज नॉट समथिंग न्यू ह्यूमन बींग्स ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर हमेशा से जो है वो टैक्सोनॉमी कुछ नया नहीं है ह्यूमन बींग्स हमेशा ज़्यादा जानने में इंटरेस्ट रखते हैं मोर एंड मोर अबाउट द वेरियस काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म के जानने में ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं पार्टिकुलरली विथ रेफरेंस टू देयर ओवन यूज़ और अपने यूज़ के लिए तो और ज़्यादा इन अर्ली डेज ह्यूमन बींग्स नीडेड टू फाइंड सोर्सेज फॉर देयर बेसिक नीड ऑफ फूड मतलब वो जो है वो हमेशा कुछ ना कुछ जानने में लगे रहते हैं कि ये कोई भी प्लांट्स है तो ये हमारे यूज़ का हो सकता है तो यही तो है टैक्सोनाम यही तो है क्लासिफिकेशन फूड में क्लथिंग एंड सैल्टर हिस्स द अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन वे बेस्ड ऑन द यूज ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बींग्स वेयर सिंस लॉन्ग नॉट वनली इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर डाइवर्सिटीज बट अल्सो द रिलेशनशिप अमंग देम दिस ब्रांच ऑफ स्टडी वॉज रिफर टू एज सिस्टमैटिक्स इसका मतलब ह्यूमन बींग्स डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज़म और उसके डाइवर्सिटी में नहीं बल्कि वो रिलेशनशिप एक दूसरे ऑर्गेनिज़म का एक ऑर्गेनिज़म का दूसरे ऑर्गेनिज़म से रिलेशनशिप क्या है वो जानने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है दिस ब्रांच ऑफ स्टडी इसी को हम सिस्टमैटिक्स बोलते हैं मतलब ईवोल्यूशनरी रिलेशनशिप किस तरह से एक ऑर्गेनिज़म का है ईवोल्यूशनरी हिस्ट्री इसी को हम सिस्टमैटिक्स बोलते हैं द वर्ड सिस्टमैटिक्स इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड सिस्टमा विच मीन्स सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इसका मतलब सिस्टमैटिक और अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म लीनियस यूज सिस्टमा नेचरा एज द टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन इनका बुक है सिस्टमा नेचरा लीनियस का द स्कोप ऑफ सिस्टमैटिक वॉज लेटर इन लास्ट टू इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन नॉमन क्लेचर एंड क्लासिफिकेशन सिस्टमैटिक्स टेक्स इन टू अकाउंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म आप सबको पता हो गया सिस्टमैटिक्स जो है वो किस तरह से इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म से यही तो सिस्टमैटिक्स है इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है वो है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या होता है तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस बट इन कैटेगरी इज पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक कैटेगरी सेवन टैक्सोनॉमिक कैटेगरी होता है जिसमें पहला किंगडम फाइलम क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस और स्पीसीज इन सबको आप अलग अलग टेक्सोनॉमिक कैटेगरी बोलोगे किंगडम एक कैटेगरी है फाइलम एक कैटेगरी है क्लास एक कैटेगरी है ऑर्डर एक कैटेगरी है फैमिली एक कैटेगरी है जीनस एक कैटेगरी है और स्पीसीज एक कैटेगरी है या आप इसे रैंक भी बोल सकते हो अलग अलग रैंक आप सबको मिलाकर एक टैक्सोनॉमिक टैक्सोनिकरारकी बोल सकते हो एंड ऑल कैटेगरीज टुगेदर कंस्टीट्यूट द टैक्सोनॉमिक हेरारकी आप इन सबको अगर मिला लो किंगडम फाइलम क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस पीसी सबको आप टैक्सोनॉमिक हैरार की बोल सकते हो इच कैटेगरी रिफर टू एज यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। इन फैक्ट रिप्रेजेंट अ रैंक आप इस सब को एक यूनिट बोल सकते हो क्लासिफिकेशन का एंड इज कॉमनली टर्मड एज टैक्सॉन अब टैक्सॉन क्या होता है टैक्सॉन अगर आपको किसी कोई प्लांट्स में ला आप कोई फॉरेस्ट में घूमने गए और आपको कोई एनिमल्स या प्लांट्स मिला तो आप उसके बारे में कुछ नहीं जानते क्या किंगडम है इसका कौन सा फाइलम का है ये कुछ भी आपको पता नहीं है तो आप उसे एक टैक्सोन बोल सकते हो और ये एग्ज़ाम का क्वेश्चन भी है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी ऑफ एनी रैंक इज कॉल्ड टैक्सोन टैक्सोनॉमिक कैटेगरी का किसी भी रैंक को आप एक टैक्सोन बोल सकते हो चाहे वो किंगडम हो उसे भी आप टैक्सोन बोल सकते हो किंगडम टैक्सोन किंग फाइलम टैक्सोन क्लास टैक्सोन ऑर्डर टैक्सोन फैमिली टैक्सोन जीनस टैक्सोन और स्पीसीज टैक्सोन किसी भी रैंक का किसी भी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी का किसी भी रैंक को आप एक टैक्सोन बोल सकते हो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड हैर की कैन बी एलस्ट्रेटेड बाई एन एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल से इसे अच्छे से और अच्छे से समझते हैं अगर आपको समझ नहीं आया तो इंसेक्ट्स रिप्रेजेंट अ ग्रूप ऑफ ऑर्गेनिज्म शेयरिंग कॉमन फीचर्स लाइक थ्री पेयर ऑफ ज्वाइंटेड लेक्स इट मीन्स इंसेक्ट्स आर रिकोगनाइजेबल कंक्रीट ऑब्जेक्ट विच कैन बी क्लासीफाइड एंड दस वेयर गिवन अ रैंक और कैटेगरी इसका मतलब अगर कोई ऑर्गेनिजम आपको मिला जिसके थ्री पेयरस ऑफ ज्वाइंटेड लेग्स हैं तो आप उसे इंसेक्ट्स के कैटेगरी में इजिली रख दोगे तो यही होता है कि ऑर्गेनिज्म को देखकर उसके फीचर को देखकर हम उसे कैटेगरी वाइज डिवाइड कर देते हैं रैंक वाइज रख देते हैं रिमेंबर ग्रुप्स रिप्रेजेंट कैटेगरी सॉरी कैन यू नेम अदर सच ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म यस हम बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का अलग अलग ग्रुप बता सकते हैं इसके बाद रिमेंबर ग्रुप रिप्रेजेंट कैटेगरी आपको पता है अलग अलग ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है कैटेगरी कैटेगरी फर्दर डिनोट रैंक कैटेगरी को रैंक भी बोल सकते हैं इच रैंक टैक्सोन हर रैंक को हम टैक्सोन बोलते हैं अभी हमने बताया टैक्सोनॉमिक कैटेगरी ऑफ एनी रैंक इज कॉल्ड टैक्सोन इन फैक्ट रिप्रेजेंट अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन और उसे एक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं दिस टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स या कैटेगरीज आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज एंड नॉट मेयरली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स हम सिर्फ ऑर्गेनिज्म का मॉर्फोलॉजिकल फीचर देखकर उसे क्लासिफाई नहीं करते हैं आपको हमने पहले ही बताया था उसका एनाटोमिकल स्ट्रक्चर भी हमें अच्छे से देखना पड़ेगा उसका फीचर इसके बाद उसका सेल का स्ट्रक्चर क्या है डेवलपमेंट प्रोसेस क्या है उसका इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन क्या है ये सब देख कर फिर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करेंगे इसके बाद टैक्सोनॉमिकल स्टडीज ऑफ ऑल एन ऑर्गेनिज्म हैव लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ कॉमन कैटेगरी सच एज किंगडम फाइलम डिविजन क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस एंड स्पीसीज ऑल ऑर्गेनिज्म those दो इन द प्लांट्स एंड एनिमल्स किंगडम हैव स्पीसीज एज द लोएस्ट कैटेगरी आपको पता है सबसे हाईएस्ट कैटेगरी जो है वो होता है वो किंगडम है और सबसे लोएस्ट कैटेगरी हम स्पीसीज को बोल बोलते हैं ये एग्जाम का क्वेश्चन है सबसे लोएस्ट कैटेगरी स्पीसीज सबसे हाईएस्ट कैटेगरी किंगडम नाउ द क्वेश्चन यू मे आस्क इज हाउ टू प्लेस एन ऑर्गेनिज्म इन वेरियस कैटेगरी अब आप पूछोगे कि कैसे हम ऑर्गेनिज्म को अलग अलग वेरियस कैटेगरी में रखेंगे तो द बेसिक रिक्वायरमेंट इज़ द नॉलेज ऑफ कैरेक्टर ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म सबसे पहले हमें उसके नॉलेज उसके कैरेक्टर के बारे में नॉलेज होना जरूरी है उस ऑर्गेनिज्म के बारे में दिस हेल्प इन आइडेंटिफाइंग सिमिलैरिटीज़ एंड डिसिमिलैरिटीज़ और उससे हमें उसके बीच में जो सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी है उसे वो पता चलेगा अमंग द इंडिविजुअल ऑफ द सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एज वेल एज अदर काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म का मतलब ये हमें हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में सिमिलैरिटीज़ एंड डिसिमिलैरिटीज़ ऑफ सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म मतलब सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म के बीच में क्या सिमिलैरिटीज़ और डिसिमिलैरिटीज़ है और अदर काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म के बीच में क्या सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज़ है इसमें ये हेल्प करता है तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं सेवन कैटेगरीज़ होता है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज उसे अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहला जो आता है इसमें स्पीसीज तो हम इस स्पीसीज से स्टार्ट करने जा रहे हैं स्पीसीज आप सबको पता है सबसे लोएस्ट कैटेगरी है तो यहीं से हम स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें सबसे पहले टैक्सोनॉमिक स्टडीज कंसीडर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विथ फंडामेंटल सिमिलैरिटीज एज अ स्पीसीज आप सबको पता है एस्टमेयर का बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज सिमिलर काइंड ऑफ जो दो सिमिलर स्पीसीज आपस में इंटरब्रीड करेगा तभी एक फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग बनेगा 1964 में अंस्ट मेयर ने बताया था तो वही ये लिखा है अगर दो डिसिमिलरिटीज़ वाला अगर स्पीसीज़ है अगर वो इंटरब्रिटेट किया भी तो ऑफ स्प्रिंग कभी भी फर्टाइल नहीं होगा इसके बाद वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग वन स्पीसीज फ्राम द अदर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज बेस्ड ऑन द डिस्टिकट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेज मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसिस के बेसिस पे भी यहाँ पर स्पीसीज को बांटा जाता है इसके बाद लेटेस्ट कंसिडर मैंगी एंड पैंथरा लियो जो कि लायन है हैम तो, ट्यूवरेशम पोटैटो मैंगी फेरा इंडिका आपको पता है मैंगो ऑल द थ्री नेम इंडिका ट्यूरेशम एंड लियो रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक एपिथेट आप सबको पता है जो लास्ट वाला होता है वो स्पीसीज रिप्रेजेंट करता है या स्पेसिफिक एपिथेट और पहला वाला जो होता है वो जीनस जैसे मैंगीफेरा इंडिका है तो मैंगीफेरा जीनस को रिप्रेजेंट करता है इंडिका स्पीशीज को रिप्रेजेंट करता है इसके बाद वाइल्ड द फर्स्ट वर्ड मैंगीफेरा सोलानम एंड पेंथेरा आर जेनेरा इसे आप जीनस भी बोल सकते हो एंड रिप्रजेंट अनादर हायर लेवल ऑफ टैक्सोन या कैटेगरी आप सबको पता है स्पीसीज से ऊपर जीनस आता है इसलिए स्पीसीज इस से ये हायर लेवल ऑफ टैक्सोन है इसे या कैटेगरी भी बोल सकते हो इच जीनस में हैव वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट रिप्रेजेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म आपको पता है जीनस में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का स्पीसीज प्रजेंट होता है बट हैविंग मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज इसके बीच में सिमिलैरिटीज़ जो मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज़ है उसके बेसिस पे फॉर एग्जाम्पल पैंथेरा हैज़ इन अदर स्पेसिफिक एपिथेट जिसके अंदर टेगरिस आता है एंड सोलानम सोलानम जो है वो अलग है इसे आप इसके अंदर जो स्पीसीज आता है वो है एंड मिलोंगाना इसके बाद आता है ह्यूमन बींग्स बिलोंग टू द स्पीसीज सेपियंस ह्यूमन बींग्स जो है वो सैपियंस स्पीसीज से आता है विच इज़ ग्रुप्ड इन द जीनस होमो इसमें दो जो कॉम्पोनेंट्स बना होता है होमो और सैपियंस होमोजीनस है सेपियंस स्पीसीज है तो इट इज़ रिटर्न रिटेन एज अ होमोसैपियंस इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आता है जीनस है जीनस क्या होता है जीनस कंपराइजेज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज विच हैज़ मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन इसका मतलब इसमें वो ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज है जिसका मोर कैरेक्टर्स जो होता है वो कॉमन होता है कम्पेरिजन टू कम्पेरिजन टू स्पीसीज ऑफ अदर जेनेडा वी कैन से दैट जीन जेनेडा आर एग्रीगेट ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज इसके अंदर स्पीसीज इस जो है वो अलग अलग होता है लेकिन जेनस सेम ही होता है क्योंकि इनके बीच में कुछ सिमिलरिटी के वजह से इन्हें एक ही जेनस में रखा गया है फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो पोटैटो टोमेटो एंड ब्रिंजल आर थ्री डिफरेंट स्पीसीज बट ऑल बिलोंग टू द जीनस सोलानम इस सब को एक जीनस में रखा जाता है जिसका नाम है सोलानम इसके बाद लायन पेंथरा लियो लियोपैड पेंथरापैडस एंड टाइगर को पैंथरा टिगरीस विद सेवरल कॉमन फीचर्स ऑल स्पीसीज ऑफ ऑफ द जीनस पैंथरा इसका एक स्पीसीज है इसके इस सबको पैंथरा के अंदर रखा जाता है इसलिए इनके बीच में कुछ ना कुछ तो सिमिलैरिटीज है दिस जीनस डिफर्स फ्रॉम अनदर जीनस फेलिस विच इंक्लूड कैट्स फेलिस के अंदर कैट्स को रखा जाता है इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट वाला कैटेगरी है वो है फैमिली फैमिली हैज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा इसमें जो है वो जीनस को रखा जाता है इसमें अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट जीन को रखा जाता है विच स्टी स्टील लेस नंबर ऑफ़ सिमिलैरिटीज़ एज कम्पेयर टू जीनस एंड स्पीसीज इसमें जो है सिमिलैरिटीज़ कम देखने को मिलेगा एज़ कम्पेयर टू स्पीसीज और जीनस फैमिलीज़ आर कैरेक्टराइज ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स आपको पता है हमने स्पीसीज और जेनस को मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पे बांटा था लेकिन यहाँ वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर्स पे स्पीसीज को जो है वो रखा जाएगा एमंग प्लांट्स फॉर एग्जाम्पल थ्री डिफरेंट जेनरा सोलानम है पिटोनिया एंड धतूरा आर प्लेस्ड इन द फैमिली सोलेनेसी आप सबको पता है क्योंकि इसमें जो वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स जो है वो थोड़ा बहुत सिमिलैरिटीज़ है इसलिए इसको एक फैमिली में रखा गया है सोलेनेसी जिसमें आपको पता है डिफरेंट जेनेडा है थ्री डिफरेंट जेनेडा जिससे एक फैमिली में रखा गया है इसके बाद हम बात करते हैं एनिमल्स का ये तो प्लांट्स का था एनिमल्स में फॉर एग्जाम्पल जीनस पैंथेरा जिसमें लायन आता है टाइगर आता है लियोपोड इज पुट अलॉन्ग विथ जीनस कैट्स इन द फैमिली फैलेडी इन सब को एक फैमिली में रखा गया है क्योंकि इन सब में जो है थोड़ा बहुत कैरेक्टर जो है वो मिलता है इसलिए इन्हें फैमिली अलग फैमिली में रखा गया फैमिली फैलेडी सिमिल सिमिलरली इफ़ यू ऑब्जर्व द फीचर ऑफ अ कैट एंड डॉग यू विल फाइंड सम सिमिलैरिटीज़ एंड सम डिफरेंसेस एज वेल एज दे आर सेपरेटेड इनटू टू डिफरेंट फैमिलीज फैलेडी एंड कैनेडी आपको पता है अगर आप कैट एंड डॉग का फीचर देखोगे तो आप कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज उसमें देखोगे इसके बाद कुछ डिफरेंसेज भी है इसलिए इसे दो कैटेगरी में रखा गया है फेलेडी फेलेडी में कैट को और कैनेडी में डॉग को अब हमारा जो फोर्थ कैटेगरी है टेक्सोनिक कैटेगरी ऑर्डर यू हैव सीन अर्लियर दैट कैटेगरीज लाइक जीनस फैमिलीज आर बेस्ड ऑन अ नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स जनरली ऑर्डर एंड अदर हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज आर आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन द एग्रीगेट ऑफ कैरेक्टर्स ऑर्डर बिंग अ हायर कैटेगरी इज द असेंबलीज ऑफ फैमिली विच एग्जिबिट ऑफ यू सिमिलर कैरेक्टर इसमें जो है कंपेरिजन टू स्पीसीज जीनस और फैमिली के कंपेरिजन में इसमें कैरेक्टर्स जो है वो ज़्यादा नहीं मिलेंगे बहुत कम कैरेक्टर्स इसमें मिलने वाले हैं द सिमिलर कैरेक्टर्स आर लेस इन नंबर एज कंपेयर टू डिफरेंट जेनरा इंक्लूडेड इन फैमिली प्लांट फैमिलीज लाइक जैसे मैंने बताया कि और जो जेने सॉरी और जो कैटेगरी है जैसे स्पीशीज हुआ जीनस हुआ और फैमिली हुआ इसके कंपैरिजन में इसका कैरेक्टर जो है वो बहुत कम मिलेगा इसके बाद अब बात करते हैं प्लांट फैमिलीज़ लाइक कन्वोलशी सोलनेशी आर इंक्लूडेड इन द ऑर्डर पॉलीमिनियल्स पॉलीमोनियल्स कन्वोलशी और सोलनेसी को हम एक ऑर्डर में रखते हैं जिसका नाम है पॉलीमोनियल्स मेनली बेस्ड ऑन द फ्लोरल कैरेक्टर्स ऑर्डर में इस पर जो है वो फीचर पर देखा जाता है वो है फ्लोरल कैरेक्टर्स The animals order Carnivora include family like Felidae and Canidae. और Carnivore जो है उसे जो family Felidae and Canidae को एक order में रखा जाता है जो कि है Carnivora. अब हमारा fifth taxonomy categories है जो कि class है class में भी वही है comparison to genus sorry species genus family and order इसके comparison में यहाँ भी character जो है वो कम मिलेगा

रखा गया हैज अदर ऑर्डर इसके बाद हमारा जो सिक्स वाला टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है वो है फाइलम एनिमल्स लाइक एम्फीबियंस रेप्टाइल्स बर्ड्स एलॉन्ग विथ मैमल्स कंस्टीट्यूएंट द नेक्स्ट हायर टैक्सोनॉमिक हायर कैटेगरी कॉल्ड काट फाइलम इन सबको जो एक कैटेगरी में रखते हैं वो है फाइलम ऑल दिज बेस्ड ऑन द कॉमन फीचर्स लाइक प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड And dorsal hollow neural system are included in phylum chordata. In case of plants, classes with a few similar character are assigned to a higher category called division. आपको पता है, animals के लिए हम phylum use करते हैं और plants के लिए हम division use करते हैं। तो यहाँ भी वही हुआ कि कुछ presence है, notochord हुआ, dorsal hollow, uh, hollow neural system हुआ, तो उसे हम phylum chordata में रख देते हैं। और ऐसे ही plants का भी होता है। इसके बाद आता है लास्ट हमारा जो है वो किंगडम है ऑल एनिमल्स बिलोंगिंग टू प्लस फाइला आर ए टू द हाइस्ट कैटेगरी कॉल्ड किंगडम बहुत सारे फाइलम को एक किंगडम बनाता है एक किंगडम में आता है बहुत सारा फाइलम एनिमेलिया इन द क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ एनिमल्स द किंगडम प्लांटी ऑन द अदर हैंड इज डिस्टिंक्ट एंड कंपराइजिंग ऑल प्लांट्स फ्रॉम वेरियस डिविजन टू दिस ग्रुप एज एनिमल एंड प्लांट किंगडम इसमें दो ग्रुप जो आता है वो है एक है एनिमल दूसरा प्लांट किंगडम द टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम हैव बीन सोन इन असेंडिंग ऑर्डर स्टार्टिंग विथ स्पीसीज नीचे से ऊपर की तरफ जाता है पहले स्पीसीज फिर जेनस फिर फैमिली फिर ऑर्डर फिर क्लास फिर फाइलम जो कि एनिमल के लिए यूज होता है और डिविजन जो कि प्लांट के लिए होता है और लास्ट में हमारा किंगडम आता है इसके बाद

स्पीसीज से अगर आप किंगडम की तरफ जाते हो तो कैरेक्ट्रिस्टिक्स जो है कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स धीरे धीरे जो है वो डिक्रीज होने लगता है स्पीसीज में जितना कैरेक्टर मिलता है उतना जीनस में नहीं जितना जीनस में उतना फैमिली में नहीं जितना फैमिली में उतना ऑर्डर में नहीं इसी तरह से जो है वो डिक्रीज होता रहता है वही है

कम होता जाता है जितना ऊपर जाता है कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज होता रहता है यही है इसमें मेन जो था वो हमने बता दिया, अच्छे से कंप्लीट किया इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट होने वाला है टैक्सोनॉमिकल एड्स। अब जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है टैक्सोनॉमिकल एड्स ये क्या होता है इसका मतलब होता है इसमें हम ऑर्गेनिज्म को हम स्टोर करके रखते हैं इसमें ऑर्गेनिज्म को स्टोर करके रखा जाता है बचा कर रखा जाता है फॉर फ्यूचर के लिए अब चलिए पढ़ते हैं एन सी आर टिकलाइंस स्टडीज ऑफ वेरियस स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म आर यूज़फुल इन जैसे एग्रीकल्चर हो गया फॉरेस्ट्री हो गया इंडस्ट्री हो गया एंड इन जनरल इन नोइंग आवर बायो रिसोर्स एंड देयर डाइवर्सिटी और जो है हमारे बायो रिसोर्सिज़ के बारे में जानने के लिए ये बहुत यूज़फुल है हमारी नीड क्या है मतलब बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जैसे मेडिसिनल प्लांट्स हो गया ये सब के बारे में जो है वो कलेक्शन रखा जाता है वही है टेक्सोनॉमिकल एट्स एंड देयर डाइवर्सिटी दिज स्टडीज़ वुड रिक्वायर करेक्ट क्लासीफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज़म

इट इज़ यूज फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड द इंफॉर्मेशन गैदर्ड इज अल्सो स्टोर्ड अलॉन्ग विद द स्पेसीमीस इन सम केसिज द स्पेसीमीस इज प्रिजर्व फॉर फ्यूचर स्टडीज बायोलॉजिस्ट हैव स्टाब्लिस्ड सर्टिन प्रोसीजर एंड टेक्निक टू स्टोर एंड प्रिजर्व द इन्फॉर्मेशन एज वेल एज द स्पेसिमिन बायोलॉजिस्ट जो है वो कुछ प्रोसीजर के बेसिस पे कुछ टेक्निक के बेसिस पे इन प्लांट्स और, और एनिमल्स को स्टोर करके रखा है अब वो क्या क्या टेक्निक्स है क्या क्या प्रोसीजर है हम आगे देखने वाले सम ऑफ समीज आर एक्सप्लेन टू हेल्प यू अंडरस्टैंड द यूजर्स ऑफ दीज एड्स ये कुछ टेक्निक है जो आपको हेल्प करेगा इस टेक्नो टेक्सोनोमिकल एड्स को समझने में इसमें जो पहला प्रोसीज़र है वो है हर्बेरियम हरबेरियम ये स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेंस डेट आर ड्राइड प्रेस्ड एंड प्रिजर्वड ऑन सीड्स इसका क्या मतलब वो ये एक स्टोर हाउस है डेड प्लांट का इसमें जो है डेड प्लांट को ड्राइड करके उसे प्रॉपर प्रेस्ड करके उसे हरबेरियम सीट पे रखा जाता है और साथ में उसका फुल इंफॉर्मेशन इसमें याद रहे सिर्फ डेड प्लांट ही रहेगा और उसे सुखाकर ड्राइड करके इसमें रखा जाता है दिज सीड्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासीफिकेशन आप देख सकते हो उस फिगर में हरबेरियम स्विंग स्टोर्ड स्पेशमेंट जो फिगर वन पॉइंट टू है इसमें किस तरह से डेड प्लांट को हर्बेरियम सीट पर रखा गया है इसके बाद आगे दिज स्पेशमेंट अलॉन्ग विद देयर डिस्क्रिप्शन और हरबेरियम सीट इस जो स्पेशमेन है प्लांट या न, प्लांट सिर्फ प्लांट होगा इसमें उसका जो है प्रॉपर इंफॉर्मेशन भी साथ में रहता है बिकॉम्स अ स्टोर हाउस और रिपोजिटरी और रिपोजिटरी फॉर फ्यूचर यूज़ इसे फ्यूचर यूज़ के लिए रखा गया है रखा जाता है द हर्बेरियम सीड्स अल्सो कैरी अ लेबल प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन इसमें पूरा इन्फॉर्मेशन के साथ इसे रखाता है जैसे डेट उसका प्लेस ऑफ कलेक्शन उसका नेम जैसे इंग्लिश हो गया लोकल हो गया बोटेनिकल नेम्स हो गया उसका फैमिली उसका कलेक्टर नेम्स इट इसी हर्बेरिया ऑल्सो सर्वे यू एज़ अ क्यूक रिफरल सिस्टम इन टैक्सोनॉमिकल स्टडीज़ ये था हर्बेरियम हर्बेरियम में आप सबको पता है डेड प्लांट को रखा जाता है ड्राइड करके अब हम बात करने वाले बोटेनिकल गार्डन इसमें लिविंग प्लांट को रखा जाता है इस दोनों में आपको डिफरेंस अच्छे से समझना चाहिए पहला जो है हरबेरियम इसमें डेड प्लांट को रखा जाता है और बोटैनिकल गार्डन जो है इसमें लिविंग प्लांट को रखा जाता है आप सबको पता है गार्डन में जो है हम क्या करते हैं तो लगाते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स तो यही है दि स्पेसलाइज्ड गार्डन हैव कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रिफ्रेंस प्लांट स्पीसीज इन दिस गार्डन आर ग्रो फॉर आइडेंटिफिकेशन परपज एंड ईच प्लांट इज लेवल इंडिकेटिंग इन बोटेनिका साइंटिफिक नेम एंड इट्स फैमिली सारा का जो है वो बोटेनिकल मतलब साइंटिफिक नेम और उसका फैमिली लिखा रहता है तो फेमस बोटेनिकल गार्डन आर एट क्यू जो कि इंग्लैंड में है इंडियन बोटेनिकल गार्डन जो कि हावरा आ, हावरा में है इंडिया में एट नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ जो कि अभी इंडिया में ही है इसके बाद हमारा जो थर्ड वाला है वो है म्यूज़ियम बायोलॉजिकल म्यूजियम्स आर जनरली सेटअप इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सच एज स्कूल एंड कॉलेज म्यूज़ियम हैव कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लान्टनिमल स्पेशमेन्स फॉर स्टडी एंड रेफरेंसेज आप सबको पता है मैंने बताया बोटैनिकल गार्डन में लिविंग प्लांट्स को रखा जाता है हरवेरियम में डेड प्लांट को रखा जाता है और म्यूज़ियम में बोथ एनिमल और प्लांट्स दोनों को रखा जाता है प्रिजर्व करके स्पेशमेन आर प्रिजर्व इन द कॉन्टेनर और जार कंटेनर या जार में उसे एक प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन में रखकर उसे प्रिजर्व किया जाता है प्लांट्स एंड एनिमल्स स्पेशमेंट में ऑल्सो भी प्रिजर्व एज ड्राई स्पेशमेंट इंसेक्ट आर प्रिजर्व इन इंसेक्ट बॉक्स आफ्टर कलेक्टिंग उसे कलेक्ट करके उसे किल करके उसे पिन करके उसमें रख दिया जाता है लार्जर एनिमल्स लाइक बर्ड्स एंड मैमल्स आर यूजली स्टफ्ड एंड प्रिजर्वड म्यूजियम ऑफन हैव कलेक्शन ऑफ स्किलेटन ऑफ एनिमल टू और इसमें एनिमल्स का जो स्केलेटन होता है उसे भी कलेक्शन करके रखा जाता है फॉर फ्यूचर के लिए तो यहाँ तक मेरा म्यूजियम तक कंप्लीट हुआ इसके बाद हम आगे पढ़ने वाले हैं जूलॉजिकल पार्क हमारा फोर जो है टैक्सोनॉमिकल एड्स का प्रोसीजर में वो फोर आता है जूलॉजिकल पार्क्स इसमें जो है वो एनिमल्स को रखा जाता है आप सबको पता है जूलॉजिकल पार्क के बारे में दीज आर द द्लेसेज वेयर विल्ड एनिमल्स आर कैप्टीन

हर एनिमल्स का जो उसका रहने का तरीका है वो जिस जगह पे रहना उसका जो हैबिटेट है उसी तरह से जूलॉजिकल पार्क में बना दिया जाता है उसके रहने के अकॉर्डिंग कि वो किस तरह जैसे मछली पानी में रहती है तो उसके लिए स्पेशल वहाँ पानी में ही उसे रखा जाता है ऐसे तो वो रह नहीं सकती तो जूलॉजिकल पार्क में जो है वो हर एनिमल्स के लिए उसका जो हैबिटेट है वो बना दिया जाता है जैसे आप देख सकते हो फिगर में किस तरह से है इसके बाद आता है चिल्ड्रेन लव विज़िटिंग दिस पार्क कॉमनली कॉल्ड जूज आप सबको पता है चिल्ड्रेन जो है वो जुलॉजिकल पार्क में जो है वो विज़िट करना उसे बहुत पसंद आता है तो यही हमारा है जुलॉजिकल पार्क इसके बाद नेक्स्ट वाला जो हमारा टैक्सोनॉमिकल एड्स है फाइव फोर्थ तक हमने कंप्लीट किया इसके बाद फाइव है की तो स्टार्ट करते हैं की क्या होता है इसमें प्लांट्स और एनिमल्स का आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है कि उसके सिमिलैरिटीज़ और डिसिमिलैरिटीज़ के बेसिस पे इसके बाद द कीज़ आर बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जेनरली इन पेयर इज़ कॉल्ड कपलेट इसका मतलब हुआ जो की है वो बेस्ड होता है कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स पे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स का मतलब होता है दो अपोजिट कैरेक्टर्स फॉर एग्जाम्पल अगर कलर है तो यहाँ पे दो होगा अपोजिट और ये ऑबियस बात है कॉन्ट्रेस्टिंग है तो पेयर में तो होगा ही सेम कपलेट बोलते हैं इट रिप्रेजेंट द चॉइस मेड बिटवीन टू अपोजिट ऑप्शन दिस रिजल्ट इन एक्सेप्टेशन एक्सेप्टेंस ऑफ वनली वन एंड रिजक्शन ऑफ द अदर ईच स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड लीड स्टेटमेंट का जो जो की का स्टेटमेंट होता है उसे हम लीड बोलते हैं सेपरेट टैक्सोनॉमिक कीज आर रिक्वायर फॉर इच टैक्सोनॉमिक कैटेगरी सच एज फाइलम जीनस टैक्सोनॉमिक कीज हर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के लिए रिक्वायर्ड है चाहे वो फैमिली जीनस स्पीसीज हो हर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के लिए ये जो है रिक्वायर है आइडेंटिफिकेशन के लिए प्लांट्स एंड एनिमल्स का आइडेंटिफिकेशन के लिए कीज़ आर जनरली अनालिटिकल इन नेचर इसे हम ईजिली अनालसिसिस कर सकते हैं की को तो अब हमारा जो नेक्स्ट वाला है वो है फ्लोरा मैनुअल्स मोनोग्राफ्स एंड कैटलॉग्स तो चलिए देखते एक एक करके सारा को हम अच्छे से देखेंगे तो दे्सो हेल्प इन करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ये भी करेक्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए बहुत हेल्प करता है फ्लोरा कॉन्टेन द एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स ऑफ अ गिवेन एरिया इसमें जो है वो प्लांट्स का हैबिटेट एक एरिया में एक पार्टिकुलर एरिया में और डिस्ट्रीब्यूशन क्या है यही फ्लोरा है दि प्रोवाइड द इंडेक्स टू द प्लांट स्पीसीज फाउंड इन अ पार्टिकुलर एरिया इसके बाद मैनुअल्स आर यूजफुल इन प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ स्पीसीज़ फाउंड इन एन एरिया मैनुअल्स में भी एक एरिया में नेम ऑफ स्पीसीज का आइडेंटिफिकेशन का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है मैनुअल्स इसके बाद है मोनोग्राफ्स ये कर ये कॉन्टे मोनोग्राफ्स कंटेन इन्फॉर्मेशन ऑन एनी वन टैक्सोन आपको पता है टैक्सोन क्या होता है इसका इन्फॉर्मेशन मैनोग्राफ्स करता है इसके बाद हमारा जो चैप्टर था कम्प्लीट हुआ आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं और इसके साथ ही हमारा जो एन सी टी का सेशन है वो स्टार्ट होने जा रहा है आज से इसके साथ ही समरी इसके बाद सॉल्यूशन एनसीईआरटी सॉल्यूशन और ऐसे ही एग्जाम है तो आप हम डिस्कशन करेंगे तो चलिए अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं